आज बना रहा हूँ मैं अंडा करी, एकदम स्पाइसी और मसालेदार बनेगी दोस्तों। सिंपल आसान रेसिपी बता रहा हूँ, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन गरम करके उसके अंदर 10 से 12 चम्मच तेल डाल दिया। जब तेल गरम हो जाएगा तो 2 से 3 तेज पत्ते, एक हरी इलायची, 2 लौंग डालूंगा, एक बड़ी इलायची और 8 से 10 इसके अंदर काली मिर्ची, एक दालचीनी का पीस और आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच इसमें काला जीरा ऐड कर रहा हूँ मैं। इन सभी चीजों को कुछ देर के लिए हम चटका लेंगे। फिर उसके बाद 2 स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल रहा हूँ इसके अंदर, वो प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, तो 3 चम्मच इसके अंदर डाला हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे पाउडर मसाले, तो 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से और 1/2 चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाला। जी हाँ दोस्तों, चाट मसाला तो जाएगा ही। अब इन पाउडर मसालों को कुछ देर के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद 2 टमाटर की प्योरी डाल रहा हूँ इसके अंदर में। अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छे से मैंने भून लिया है, तो 1/2 कप पानी डाल के फिर से मिक्स करके इसे 3-4 मिनट के लिए फिर से मसाला भून लेंगे। और 6 उबले हुए अंडे डाल रहा हूँ मैं। आप चाहे तो अंडे को फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। फिर अंडों के साथ मसाले को कुछ देर के लिए भून लेंगे। जब मसाला तेल छोड़ देगा तो इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा दोस्तों, तो नमक टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर लेंगे और 2-3 चुटकी इसके अंदर गरम मसाला डाल के सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर कवर करके 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे। तो दोस्तों सिंपल आसान तरीके से अंडा कड़ी बन के तैयार है। हरा धनिया डाल के हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।